चांद की मिट्टी का बना हुआ है। अभी विक्रम लैंडर गया था ना, तभी भेजा है उसने। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, करता ही। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। इनको जरा देख रहे बेटी, ये यार ये गजल है, ये गजल है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो ये सब तो है फालतू की बातें, सीधे करते हैं मुद्दे की बात। ये आज 18 तारीख, कल है 19 तारीख, तो कल है गणेश स्थापना। तो समझ ही गए होगा आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। यहाँ अपन चले हैं बप्पा को लेने के लिए। ऐसे तो दो दिन से विचार बन रहा है, लेकिन दो दिन से बारिश कुछ ज़्यादा तंग कर रही थी, तो आज बारिश नहीं है, तो मैंने सोचा कि ना आज निकल लेते हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और पहले चलते हैं मेरे फ्रेंड के घर पर, उसको उठाते हैं और फिर चलते हैं बप्पा को लेने के लिए। तो तब तक के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और आप लीजिए टाइमलेस का मजा, और मिलता हूँ मैं थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ भाई अवधेश चले। A few moments later. तो गाइस मेरा दोस्त आ चुका है, ये कर लो पहले। और हम लोग जा रहे हैं, गणेश जी ले रहे हैं। तब तक के लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और जब तक लीजिए टाइमलेस का मजा। तो नहीं नहीं अभी मत लेना, अभी मत लेना। अच्छा ठीक है, तू गाड़ी चला, तू चला गाड़ी। चलो भाई लेट्स गो, आज लेके आएंगे गणेश जी। गणपति बाप्पा मोरिया। ये बहन जी कहाँ से नहीं करते रहते, ये पता नहीं क्या कैमरा लेके क्या करता है ये जो पता नहीं है। अपन बहुत बड़े यूट्यूबर है सबसे वाले, बात तो सही है। ठंडा हो गया चौपट, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हम जब भी घर से बाहर निकले और बारिश ही ना हो। बस तीन दिन से मौसम बन रहा है, तीन दिन से गणेश जी लाने का सोच रहे हैं, और बारिश चक्कर में माहौल खराब। तो बेचारे इनका धंधा चौपट कर दिया यार बारिश। इंद्रदेव में भी के चूल्हे मूर्ख। तो फाइनली अपने गणेश जी की दुकान पर आ चुके हैं, गणेश जी अपने पसंद कर लिए हैं। गणेश जी बड़े महंगे हो गए आज, क्या करें यार, इनको भी एक ही दिन मिलता है तो कमाएंगे, सबकी रेट हाई फाई है। और मौसम इनकी तपस्या ले रहा है। आंटी मौसम ने धंधा चौपट कर दिया, बिल्कुल कर दिया भैया। वही हर साल का नाटक है भाई, जब भी गणेश चतुर्थी की बारिश आती है वैसे कभी बरसता ही नहीं। तो अभी भानू ने भी अपने लिए गणेश जी पसंद कर लिए फाइनली। चलो दिखाता हूँ आपको, ये वाले पसंद कर रहे हैं। और हमारे वाले तो दिखा दो, दिखाओ तो सही। वो कौन सा वाला भैया, जो कल पसंद करा था ना? हाँ तो निकालो ना उसको। अच्छा अच्छा, हाँ मैं लो जभी में बोल। भूल गया, पूरे पैसे नहीं चाहिए क्या आपको? अब खोलेंगे थोड़ी, बंद कर दिया उसको, और चेक करके लेंगे ना, फिर भूलेगा नहीं क्या उसके लिए? अब पता चला घर जाए खंडित आ गए, घर वाले तो मेरा फोन पी जाएंगे ना यार। बोले गणेश जी लेके आए तो इतने महंगे। और सुनो मेरी बात, घर वालों को 250 रुपए के बताने। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। उनको नहीं बताना 800 रुपए के, वरना वो घूम भी जाएंगे। चिंगारिया ये जो मेरे सीने में दफन, इनको जरा देखे। बहन डर गई, बहन डर गई। अरे ये रही ये रही ये रही ये रही। आंटी सबसे ज्यादा सुंदर गणेश जी आपकी दुकान पर, सही में झूठ नहीं बोल रहा, सबसे ज्यादा गणेश जी हैं आपके। गणेश जी तभी तो मैं सब घूम के आने के बाद यहीं पे आया हूँ। गणेश जी चेक करके लेने भैया, खंडित होंगे तो घर वाले मुझे खंडित कर देंगे। कैसे लग रहे हैं बेटी? ये यार ये गजल है, ये गजल। फाइनली गए अपन, ले लिए गणेश जी वाले, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता देना।
कैसे लग रहे भैया? मैं भी सुंदर हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया। ने ढेर सुंदर बोल दिया, मेरे दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। अब मैं ले जाऊंगा दुल्हन। कोई सेंस है इस बात की? तो चलो भ्रमण करा के लाए हमने गणेश जी को। आ जाओ, आया बानू, आया चांद की मिट्टी का बना हुआ है। अभी विक्रम लैंडर गया था ना, तभी भेजा है उसने। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मजाक गणपति बाप्पा बढ़िया, गणपति बाप्पा बढ़िया, जय पार, जय श्री राम। अगली बार आऊंगा वापस, वीडियो दिखा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलो भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज है 19 तारीख और आज है गणेश चतुर्थी। तो आज तो अपन करेंगे पूजा की तैयारी। और कल तो यार पोपटी हो गया, मतलब शाम को है ना पानी की बूंद कैमरे के ऊपर आके गिर गई और पूरा वीडियो ऐसा हुआ ब्लर शूट। फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठा तो पता चला कि वीडियो तो ब्लर है, तो पूरा का पूरा पार्ट डिलीट करना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यार सुबह सुबह वीडियो शूट करने का मजा अलग ही यार। क्या मस्त मौसम होता है। तो चलिए, बातें तो होती रहेगी, अभी फटाफट चलते हैं। मैं होता हूँ फ्रेश और फिर करते हैं पूजा की तैयारी। और हाँ यार, मैं पूजा का वीडियो शूट नहीं करूँगा क्योंकि जन्माष्टमी वाले व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वीडियो शूट करने के चक्कर में ठीक से पूजा नहीं हो पाई थी, तो इस बार तो मैं शायद ही करूँगा वीडियो शूट, क्योंकि पूजा पहले है, वीडियो वीडियो सब बात में। तो चलिए, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मैं आता हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ फाइनली नहा धोके और पूजा कर ली है, मतलब मंदिर जाके आ चुका हूँ। लेकिन एक हो गया लोचा, तैयारी तैयारी में गणेश मूर्ति निकल गया। हम मम्मी कह रही है शुभ मुहूर्त तो तुमने निकाल दिया। और पूरी रात तैयारी कर रहा था, मतलब दिखाता हूँ आपको मैंने कैसा सेटअप तैयार करा है। चलिए, तो ये रहा मंदिर इनका। ये मतलब पूरा मैंने घर पर वेस्ट मटेरियल से बनाया ये। और ये मतलब तैयारी सब कुछ थी मेरी रेडी, लेकिन मुहूर्त निकल गया था तो मैंने करा ही नहीं। ये इनकी पगड़ी है, तो इसमें ये मैंने घर पे बनाई है और ये नगीने वगैरह लगाए हैं इस पर, और ये पगड़ी पे ये हीरा लगाया अलग से, ऐसा कुछ है। हमारे कुत्ते तो प्रसाद के लिए एकदम रेडी बैठे हैं, दोनों पीपू ब्रूनी। और इसको देखो, ये लाड़ साहब तो ऊपर सोफे पे चढ़ के बैठते हैं। क्यों बे, तेरे डूंगे नहीं टिकते जी जमीन पे हैं? हैं सारे हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? साले सारे दिन भाई ऊपर चढ़ता रहेगा। हाँ, बहुत बिगड़ रहा, बहुत बिगड़ रहा, बहुत बिगड़ रहा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हुआ हमारे यहाँ पे गणपति जी का आगमन। तो आज के ब्लॉग में बस इतना सभी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। और एक बहुत ही ज़रूरी सी बात, क्या आपको मेरा ये कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है? आपको मेरे वीडियो देखने में मज़ा आता है? तो ये चीज़ें मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ही पता रहा कि मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और नहीं हो रहे होंगे तो फिर मैं आगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार ये सब जो काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्लॉगिंग करने में, प्लस सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में। क्या पता मैं अपना समय ख़राब कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे कमेंट करके ये तो ज़रूर बता देना। तो चलिए, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।